आज का जो टॉपिक है वो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन टेंथ क्लास होता है, टेंथ के बाद ही माने कोई भी इंजीनियरिंग हो चाहे डॉक्टरी हो अच्छे अच्छे कंपिटिटिव एग्जाम से हमें भेंट होता है। इसलिए और देखिए, पहले पढ़ लीजिए पूरे वीडियो को, उसके बाद कहिएगा कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट चीज़ आज पढ़े से। हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिए कि समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये समतल दर्पण है, नीचे देखिए पेंट किया हुआ है, ऐसे का मतलब पेंट कैल है, पॉलिश कैल है, रजतित किया हुआ है, और प्रकाश के परावर्तन, चूंकि पेंट है नीचे तो प्रकाश के परावर्तन जब भी होगा तो ऊपर से ही होगा। तो देखिए ये समतल दर्पण है। ध्यान देंगे, पहला चीज है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाती है। देखिए ये समतल दर्पण हो गया, और समतल दर्पण पर जो प्रकाश की किरण पड़ा तो उसी पथ से वापस लौट जाती है। तो आपको पता है कि दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण या आपतित प्रकाश। तो ये देखिए पड़ने वाला हो गया, तो ये हो गया आपतित प्रकाश, और देखिए यहाँ पर जब टकराया तो उसी पथ से माने जैसे आया था वैसे ही रिटर्न हो रहा है, तो ये कहलाएगा जो लौटते वाला हो गया ये परावर्तित प्रकाश हो गया। याद रखेंगे कि जब लंबवत पड़ती है समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण तो वह उसी पथ से वापस लौट जाती है। आगे देखेंगे, सेकंड टॉपिक है समतल दर्पण में प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है। तो देखिए रहे हैं कि समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण लंबवत यानी 90 डिग्री से लंबवत पड़ती है, तो आपतन कोण का मान 0 होता है। आपतन कोण किसको कहते हैं आपको पता होगा, पढ़े होंगे 8 क्लास में भी पढ़ना था ये। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए जखनी ये आपतित किरण हो गया पड़ने वाली किरण, तो अभिलंब भी जो होता है वो 90 डिग्री पर, यानी इसी में सोचना है कि वो अभिलंब भी है। तो यानी कि समतल दर्पण में प्रकाश की किरण जब लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण का मान आपको याद रखना है कि 0 होता है। तो आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोणाई बराबर कोणार होता है, आपको पता ही है। तो जब आपतन कोण का मान हो गया 0 तो आप खुद सोच सकते हैं कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। आगे कंपिटिटिव एग्जाम देंगे आप, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी का हो, कुछ भी हो, चाहे एयरफोर्स नेवी एयर का देंगे, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप अपने भी समझ सकते हो, पहले पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो आपतन लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण का मान होता है 0, आपतन कोण का मान होता है 0। तो जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है इसलिए परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, 0 ही होगा 100%। अब देखिए अगला जो टॉपिक है इससे हम प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों, अगला टॉपिक है दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का एक सूत्र है, याद रखेंगे कि 360 बटा थीटा होता है। फिर से, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा। देखिए एक समतल दर्पण ऊपर हो गया और एक समतल दर्पण ये बगल में हो गया। अब देखिए दोनों एक दूसरे पर माने झुका हुआ है, मान लिया जाए कि ये अपनी कोण थीटा है, ऐसा हो गया, या एक समतल दर्पण यह है, एक समतल दर्पण यह है, दोनों एक दूसरे पर थीटा कोण से झुका हुआ है, यानी इसको पढ़ने से हमें लाभ क्या है। तो इसके हमको पढ़ने से लाभ है कि मान लिया जाए दो समतल दर्पण अगर ऐसे रखा हुआ है और इसके बीच में यदि हम कोई वस्तु अगर ले जा करके रखेंगे तो उसको कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा।
ये दोनों समतल दर्पण है और इसके बीच में यदि हम कोई वस्तु रखते हैं तो वह वस्तु कितना को दिखाई देगा, एक पेन रखेंगे तो कितना पेन दिखाई देगा, पढ़ने से ये हमें फायदा है। तो देखेंगे मेन जो फॉर्मूला है उसको कंप्लीट करके रखेंगे। हाँ तो देखिए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं वो हम आपको बता देते हैं, याद रखेंगे आगे भी काम आएगा। ट्रिक वन, जब प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो उसमें से एक, एक के मतलब हो गया वन, घटा दिया जाता है। पहला टिप्स याद रखेंगे कि जब प्रतिबिंब की संख्या सम हो, सम के मतलब क्या हो गया, सम मीन्स क्या हो गया, जो दो से कट जाए, यानी दो चार छः आठ दस बारह, ये सम संख्या हो गया। तो जब प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो उसमें एक घटाव देना है। देखेंगे जैसे एग्जांपल में, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। यह कंपटीशन के दृष्टिकोण से इसे सब क्वेश्चन है बता रहा हूं। देखिए यदि दो समतल कह रहा है 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, तो देखिए ऐसे एक समतल दर्पण इधर से हो गया, पेंट कर दिए तो समतल दर्पण ये हो गया, एक समतल दर्पण इधर हो गया। कह रहा है कि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच कितना का कोण बना, तो 90 डिग्री का कोण बना। तो 90 डिग्री का कोण बना, तब कह रहा है प्रतिबिंब की संख्या बताइए, प्रतिबिंब की संख्या माने कितना प्रतिबिंब। कहने का मतलब कि दो समतल दर्पण को अगर हम ऐसे रख दें और बीच में अगर कोई हम मार्कर पेन उंगली कुछ भी लेकर जाएंगे तो ये कितना दिखाई देगा, ये पूछ रहा है। देखिए आराम से बन जाएगा। क्या था सूत्र में, देखिए थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा। तो देखिए सूत्र में होता है 360 बटा थीटा, थीटा मीन्स हो गया कोण, जो कोण बना है। तो आप खुद देखिए कि कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 90 डिग्री का, तो 90 से भागा दे देना है, जीरो से जीरो कट गया, 9 चौ 36 चार आया। अब आप देखिए जब प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो यहाँ चार जो है विषम संख्या थोड़े है, यहाँ चार सम संख्या है, तो क्या करेंगे उसमें से एक को घटा देना है, यानी चार में से एक घटावेंगे तो निश्चित रूप से आंसर आएगा कितना, तो 3 आएगा, यही हो गया आंसर। यही याद रखना है आप लोगों को कि अगर सम आया तो निश्चित रूप से कितना कर देंगे, एक घटा देंगे। आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर क्वेश्चन रहा कंपटीशन में कि यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, कितना डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं, तब आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही देख ले आंसर बता दीजिए। 60 डिग्री पर झुका हुआ है तो 360 बटा 60 कर दिए तो 6 छक 36 6 बार में कटा, तो 6 भी तो सम संख्या है, तो 6 में से 1 घटावेंगे कितना बच जाएगा, तो आंसर होगा 5। यानी 60 डिग्री पर दो को अगर समतल दर्पण को अगर सटा करके रखेंगे तो उसका कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो 5 होगा, 6 में से 1 घटा देना है बस। तो हम समझते हैं कि पहला नियम एकदम कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को। अब देखेंगे ट्रिक नंबर 2, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से उतार लेंगे, समझ लेंगे।
देखिए ट्रिक नंबर टू है, जब प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। ट्रिक नंबर टू है कि जब प्रतिबिंब की संख्या विषम हो, सम नहीं कह रहा इसमें, कह रहा विषम हो तो उसे वैसे ही रहने दिया जाता है, विषम हो तो उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। जैसे अगर समझेंगे कि यदि दो समतल दर्पण 72 डिग्री के कोण पर, अभी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, 72 डिग्री के कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। कह रहा है कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, 72 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। तो देखेंगे एग्जाम्पल है, समझेंगे। मान लीजिए दो गो समतल दर्पण है, तो देखिए एक समतल दर्पण ये हो गया, अब 72 डिग्री पर, तो ऐसे नहीं करेंगे, ये तो फिर 90 हो जाएगा ना। समझने के लिए इसको ऐसे कर दिए, ये आप देखिए ऐसे, मान लीजिए ये 72 डिग्री के कोण पर ही झुका हुआ है, तो अगर ऐसे सटा के रखेंगे दो समतल दर्पण को और उसमें वस्तु के प्रतिबिंब को देखना है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला बारम्बार यही रहेगा, 360 बटा थीटा ही रहेगा फॉर्मूला। तो देखेंगे 360 बटा थीटा जब रहेगा तो 360 थीटा, थीटा माने होता है कोण, जो कोण बना हुआ है तो कितना कोण है, तो 72 है, भागा देंगे तो देखिए आया 5। 5 क्या है, आप खुद देख सकते हैं कि 5 जो है विषम संख्या है, 2 से नहीं कटता है, यानी अगर आपको बनाने के बाद आंसर 3 आवे, 5 आवे, 7 आवे, 9 आवे, 11 आवे, तो ये सब विषम संख्या है, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस वही हो गया आंसर, उसमें घटाओ जोड़ कुछ भी नहीं करना है। समझते हैं कि आपको दो कंप्लीट हो गया होगा। ट्रिक नंबर 3 देखेंगे, ट्रिक नंबर हो गया थर्ड, देखेंगे ट्रिक नंबर थर्ड में, जब वस्तु सम द्वि भाजक पर स्थित हो तो उत्तर के सम या विषम होने पर, सम या विषम होने पर उसमें से एक यानी बन को घटाया जाता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है भाई, जब वस्तु सम द्विभाजक पर स्थित हो तो उत्तर के सम या विषम होने पर, यानी सम या विषम अगर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सम या विषम होने पर क्या करना है कि उसमें से एक को घटाना है, जब भी घटाना है तो कितना घटाएंगे, तो एक को घटाना है। देखिए कैसे सम या विषम, सम द्विभाजक का मतलब क्या हो गया, देखिए एग्जाम्पल में 72 डिग्री के, 72 डिग्री के सम द्विभाजक पर स्थित समतल दर्पणों में बने
प्रतिबिंब की संख्या बताएं। 72 डिग्री के समद्विभाजक पर स्थित समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब की संख्या बताएं। अब देखिए समद्विभाजक पहले जाना है कि समद्विभाजक के मतलब क्या हो गया। तो देखिए समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ये हुआ, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देना, ये एक समतल दर्पण ये हो गया। सम द्विभाजक, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, भाजक मीन्स बांटने वाला, यानी देखिए ये दोनों को बांटने वाला हो गया, ये एक लाइन है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। तो अब देखिए किस कितना प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा, सम द्विभाजक पर स्थित है, सूत्र वही का यूज करना है, सूत्र को वही करना है यूज। तो देखिए मान लीजिए 72 डिग्री है, तो 72 है तो 36 इधर हो जाएगा और 36 इधर हो जाएगा, दो भाग में बांट दिए तब, तो सूत्र वही लगाना है, यानी 360/72, 72 से भागा देना है, क्योंकि चूंकि टोटल जो है कौन है 72, तो 360/72 बराबर आया कितना, 5। अब 5 तो विषम है, तो साफ कह रहा है कि सम या विषम, यानी सम द्विभाजक पर वाला रहेगा तो सम या विषम को घटा सकते हैं, लेकिन पीछे वाला नियम में पढ़े थे कि खाली विषम अगर आवेगा तो वही हो जाएगा आंसर, लेकिन इस सम द्विभाजक पर स्थित है इसलिए इसको में से 5 में से 1 घटावे ने आंसर आ जाएगा कितना, 4। कहे कि सम द्विभाजक पर स्थित है। और देख सकते हैं एग्जाम्पल, 72 डिग्री था, अब रहेगा कि 90 डिग्री के सम द्विभाजक पर स्थित समतल दर्पणों स्थित वस्तु के, जोड़ देंगे जरा, वस्तु के समतल दर्पणों समद्विभाजक पर स्थित वस्तु के समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब की संख्या बताएं। कुछ नहीं है ये, अगली है 90 डिग्री, आप खुद देख सकते हैं चित्र के अनुसार समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए दो गो हो गया समतल दर्पण, दो गो हो गया समतल दर्पण। अब देखिए कारण 90 डिग्री के समद्विभाजक, तो ये देखिए 90 डिग्री दोनों के बीच में कोण बन रहा है, सम द्विभाजक के मतलब हो गया बीच में, ऐसे दे दिए एजा पड़ी कोई वस्तु है रखा हुआ, एजा मान लिए कि कोई वस्तु है, और इनमें सम द्विभाजक जखन है तो 45 इधर होगा, 45 इधर होगा, फॉर्मूला का वही का यूज करेंगे, यानी हो जाएगा 360/90, यानी भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा। तो सम द्विभाजक वाला में बतेबे किए कि या तो सम आवे या विषम आवे, घटाना ही है, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अच्छे से तरीके से देख लें, समझ लें बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम होगा फोन करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। अगले की ओर बढ़ते हैं, देखिए ट्रिक नंबर 4 है, यदि उत्तर भिन्न के रूप में आए, भिन्न के रूप में आए तो उसमें से एक घटाकर उसके अगले
पूर्णांक को लिख दिया जाता है। कारण कि यदि उत्तर भिन्न के रूप में आवे, भिन्न का मतलब क्या हो गया, 3/7, 5/3, 8/10, 11/5, ये भिन्न है, भिन्न के रूप में, यानी भिन्न रहता है हमेशा अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर कहिए चाहे पी बटा क्यू के रूप में, यदि उत्तर भिन्न के रूप में आए तो उसमें से एक घटाना है और उसका अगला पूर्णांक को लिख देना है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में 75 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या बताएं। देखिए 75 डिग्री के कोण पर अभी दो समतल दर्पण झुका हुआ है, 75 डिग्री के कोण पर, अब कह रहा है उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, तो सूत्र तो आपको बार बार वही सूत्र का यूज कर रहे हैं, 360/थीटा। तो देखिए 360/थीटा, तो थीटा यानी कोण यहाँ कितना है, तो 75 डिग्री है तो 75 है। अब देखिए 15 से भी कट जाएगा, यानी 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75। हम इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको दशमलव के रूप में कर दीजिए तो वह भी तो भिन्न आएगा, यह भी भिन्न के रूप में है। और देखिए 5 × 20 और 5 × 8 = 40, यह भी भिन्न के रूप में ही है, क्योंकि 4.8 के मतलब हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 48/10। तो इसमें से क्या करना है, यदि उत्तर भिन्न के रूप में आए तो भिन्न के रूप में तो आ गया, तो उसमें से एक घटाना है, तो पहले आराम से एक घटा दिए, तो 4.8 में से एक घट गया तो आ गया कितना, तो 3.8, और उसके अगले पूर्णांक को लिख दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब 3.8 आ गया तो अगला पूर्णांक, तो 3 का अगला पूर्णांक क्या होता है, 4 हो गया, यही आंसर। आप खुद देखिए कि पेट्रोल अगर खरीदने के लिए जाए चाहे कोई चीज रहता है, तो 3.8 के मतलब हो गया 3.80 हो गया ये, तो 3.80 के मतलब है कि पेट्रोल टंकी वाला 4 रुपया सीधा सीधा लेगा। तो यही बात है इसमें भी, अब 99 रुपया हुआ, 99 रुपया और 70 पैसा हुआ पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल लाने के लिए, 99 रुपया 80 पैसा, यानी सीधा सीधा कितना बोलते हैं हम, 100 रुपया सीधा सीधा बोलते हैं। तो यही अगला वाला पूर्णांक को लिख देना है। अब ये लास्ट ट्रिक है आपको, देखिए ट्रिक है, ट्रिक नंबर हो गया 5, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण समांतर हों, समांतर मीन्स पैरेलल, समांतर हों तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या बताएं, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या बताएं। देखेंगे ध्यान दे करके, कह रहा है कि दो समतल दर्पण समांतर हो, मतलब पैरेलल, यानी एक समतल दर्पण को ऐसे रखे और एक समतल दर्पण को ऐसे रखे, चाहे एक समतल दर्पण ऐसे रखे और ऐसे रखे, इसका मतलब है ये समानांतर हो गया। तो देखिए यहां समतल दर्पण, यहां समतल दर्पण, दोनों का इधर, इसका इधर साइड पेंट रहेगा और इसका इधर साइड पेंट रहेगा, यानी दोनों एक दूसरा के सामने ही रहना चाहिए। तो देखिए वो याद रखना है बाबू को जी, कि जब दो समतल दर्पण आपस में समांतर हो तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है,
जीरो डिग्री का कोण बनाता है, ये सीधा हो गया, ये जीरो डिग्री का कोण होता है। तो सूत्र तो वही है 360 बटा थीटा, तो यानी हो जाएगा 360 बटा कितना, जीरो। तो आप जानते हो कि किसी भी संख्या में जब हम जीरो से भाग देते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो आता है अनंत, यानी हम इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी, यानी यही हो जाएगा अनंत। आप खुद देख सकते हो कि ऐसे तो बढ़िया जो सैलून रहता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, लेकिन दो गो सैलून में अगर देखते हैं कि यहाँ भी समतल दर्पण रखा हुआ है, यहाँ भी समतल दर्पण है, और बीच में आप खड़े हो गए, देखिए यहाँ भी समतल दर्पण, यहाँ भी समतल दर्पण, बीच में जब आप खड़े होकर के देखते हैं इसे तो बहुत सारे आपको आपका चेहरा दिखेगा, बहुत सारा आपका चेहरा दिखेगा। अच्छा अच्छा जो मंदिर रहता है ना, तो उसमें देवी जी का चाहे कोई भगवान का जो है एक ही मूर्ति रहता है, लेकिन किया क्या जाता है कि इधर में भी समतल दर्पण लगा दिया, इधर में भी समतल दर्पण। तो अगर आप सामने से अगर देखोगे तो सामने से देखने के बाद क्या है कि एक ही दिखेगा, लेकिन आप शीशा में जरा हुलक करके अंदर में आने के बाद और बाएं देखिए या दाएं देखिए तो अनंत तक के दिखाई देता है। तो यहाँ यही कंडीशन फॉलो करता है कि बीच में देखिए यहाँ पर मूर्ति है कोई, तो इसके कितने सारे हुए, तो अनंत। तो ये सब जो टिप्स आपको बताए हैं, पांचों ट्रिक बताए हैं, ये कंपटीशन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है कि हाँ भाई दो समतल दर्पण अगर ऐसे हो, इतना डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो तो कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, इतना डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो तो कितना दिखाई देगा, सम विषम पूर्णांक सब आपको बता दिए हैं, समानांतर है तब भी बता दिए हैं, तो टंच कर लेंगे आगे। चूंकि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, वैकेंसी अगर निकलता भी है तो उसमें एकदम क्वेश्चन जो है डीप से पूछा जाता है, तो अगर आप पढ़ल नहीं रहिएगा तो क्वेश्चन कैसे बन पाएगा, तो इसको टंच करके रखेंगे। साइड से कंपटीशन के व्यू से आपको बता दिए हैं, साइड में आप कहीं भी लिख लेंगे, नॉलेज के लिए आपको बता दिए हैं, बस धन्यवाद।